वेलकम टू कोयलकुंटला सरकार। स्वागत है। ये इलाका बहुत ज्यादा पीसफुल लगता है। समाचार है तुम्हारे लिए, अब तुम्हें फसल पर लगान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस जमीन पर देना होगा। भेजे में नहीं घुसी बात, अब से फसल पैदा हो या ना हो, जितनी जमीन है उतना लगान देना ही होगा। दया सरकार, अब से तो फसल का ही लगान नहीं दिया जा रहा, ऐसे में अगर पैदावार ना हुई तो कहां से देंगे लगान? तो फिर कानून के मुताबिक ये जमीन हमारी, इन मजदूरों को इनकी मेहनत का जो बनता है दे दो रकम। जी सरकार। हम मजदूर? सरकार, ये जमीन हमारी माँ है, माँ के बिना कैसे जिएंगे सरकार? कहाँ तक है तुम्हारे जमीन? उस पहाड़ी तक है सरकार, कुल 5 गांव। अपने जमीन को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकता है? जान दे सकते हैं सरकार। Let's play a game. यहाँ से जितने दूर तुम दौड़ सकता है दौड़ो, जितने जमीन पर तुम दौड़ गए वो जमीन तुम्हारी हुई, बट हमारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ में दौड़ेगा। अगर वो एक कदम भी तुमसे आगे निकला तो वहां से जमीन हमारी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम हमारे घोड़े से आगे निकल गए तो वहां से जमीन तुम्हारी। तुम्हें शर्त मंजूर है? घोड़ा मैसूर से पहले नहीं रुकेगा। Run, you! रेड्डी जी, आपने बोला लगान नहीं देना, लेकिन जैक्सन सर बोलते हैं आप तो पालेगार है ही नहीं, यानी नौसम का आपको गोद लेना नए डलहौजी लॉ के मुताबिक गैर कानूनी है, तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं हुए। मेरी विरासत पे सवाल उठाने वाला तू होता कौन है?
तेरे दादा विलायत गए थे तो उनसे तू पैदा हुआ था या तेरा बाप? तू मेरा भाई है, बेटा है, दामाद है, है कौन तू? चाचा, इनकी तरह तू भी मजदूर है, लगान नहीं दिया तो सजा जरूर मिलेगी। क्यों दे तुझे हम लगान? हाँ, बादल तो लगान नहीं मांगते, मिट्टी भी नहीं मांगती, फसल भी नहीं मांगती, तो तू कौन होता है लगान मांगने वाला? जमीन से लेकर फसल तक सब हमारा है, पसीना हमारा है, खेत हमारे हैं, बीज हमारा है, पानी हमारा है, ये धरती हमारी है, इसका अनाज हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? हम इस धरती की संतान है, इस मिट्टी पर हक हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? इस भूमि पर हल किसने चलाए? हमने चलाए। तो इसकी पैदावार पर किसका हक है? सरकार, रुक जाइए जरा, भीड़ तो देखिए, देखिए चारों तरफ, ये समय ठीक नहीं है, चलिए प्लीज कम। अपना सर झुका, झुका, अब जा, और ध्यान रहे सर उठाने की गलती हरगिज मत करना, अब सीधे लंदन में ही सर उठाना, वरना पछताएगा, यहां दोबारा कदम रखा तो सर काट दूंगा। चल सरकार, घोड़े ने क्या किया है? नरसिम्हा रेड्डी ने इसके दिल में डर भर दिया है, जब भी हम इस पर बैठता है ये हमें उस डर की याद दिलाता है। इस नरसिम्हा रेड्डी को मारने के लिए मद्रास से बटालियन बुलवा लें सरकार। मद्रास की ताकत हमारे दम से है, मारना हमें नरसिम्हा रेड्डी को नहीं, उन गुलामों में सर उठाती हुई बगावत को है। हम दिखाएगा उन्हें डर किसे कहते हैं, फिर देखेंगे ताकत किस में है। उसका एरिया छोड़ दो, बाकी पूरे दत्त मंडलम से टैक्स की वसूली। मरते हुए सभी लोगों की चीखें उसके गांव तक जानी चाहिए। इतनी दहशत फैला दो कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए। सुना है तुमने लगान देने से मना किया है? अपना लूटा हुआ एक मुट्ठी धन भी हमारे हाथ से
जाना नहीं चाहिए। What about Tata Mandalam Tax? सब रेडी है सर, सिर्फ एक एरिया को छोड़कर। प्रणाम मालिक। बोलिए मालिक, कल जंगम मलैया जी बड़े पैमाने पर भूमि पूजन करने वाले हैं। अकाल के कारण जिनकी शादियां रुक गई थी, क्यों ना वो भी संपन्न कर ले। जरूर, ये शुभ आमंत्रण आप मेरे बड़े भाई को दे दीजिए। जैसे आपकी इच्छा। जंगम मलैया जी। सरकार, मैं कल जगन्नाथ मंदिर अपनी पूजा करने जाऊंगा जी। आप उसी समय अपनी भूमि पूजन का शुभारंभ कर सकते हैं। जो आज्ञा सरकार। ओ बन्ना। सरकार, नौसम किले से हमें इस बार जितनी भी पेंशन मिली है वो इन जोड़ों को शादी के उपहार में दे दीजिए। जी सरकार। पेंशन? ओ देखो तो सही, पेंशन लेने आया था। मिल गई ना पेंशन, देख लिया ना। बोल दिया नरसिम्हा रेड्डी को हम उसे पालेगार नहीं मानते, क्योंकि उसे तो कोट लिया गया था। इस कुत्ते को समझ में नहीं आया कि पेंशन नहीं मिलेगी। पूरा सिर मुंड तो दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम खा सकते हैं। भूख लगी है माँ। अपने फसल की पहली कटाई देवी माँ को अर्पण करें। इस बार फसल अच्छी हुई। सो जा, सारा अनाज गाड़ी में डाल दो। जल्दी भरो। सरकार, सरकार, दो साल बाद इतनी अच्छी पैदावार हुई है, हम थोड़ा थोड़ा करके लगान भर देंगे। क्या क्या क्या? याद है आपने कहा था ये फसल हमारी है, ये धरती भी हमारी है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अगर हम 66 गांवों की पैदावार भी ले जाए तो एक साल का लगान रह जाएगा। सरकार, सरकार, पूरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या खाएंगे? ओके। इनको हमारा ब्रिटिश रूल समझाओ रघुवचारी। जी सरकार। सब ध्यान से सुनो, ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया है। आज से गांव में जिसका भी ब्याह होगा उसकी दुल्हन पहले गोरे साहबों के साथ सोई। इससे तुम्हारा ही फायदा है, इससे तुम्हारा काला नस्ल गोरा हो जाएगा। सबसे पहले हम इन 10 दुल्हनों के साथ सोएगा। डर क्यों रही हो? हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए, रोज रात एक काफी है। तुम सभी गांव वाले फैसला करो कि कब किसको भेजना है और अपनी फसल वापस ले जाओ। तुम लोग फसल दोगे या फिर लड़कियां? अरे भूल क्यों रहे हो, सरकार ने कहा है कि लड़कियों का लाभ फसल से चुकाएंगे। लड़कियां दो, फसल ले जाओ। सरकार, भूख तो हम फिर भी सह लेंगे, बेइज्जती नहीं सह पाएंगे। सरकार, अनाज ले जाइए। सरकार, आप हमारा पूरा अनाज ले जाइए। After all, औरत की इज्जत के वास्ते तुमने 66 गांव की फसल कुर्बान कर दी। You bloody barbarians! Soldiers, move the crop! Thank you.
बेटा। बस भैया, बस भैया वापस रख दे। माफ कर दो सरकार, छोटा है। फिर से चोरी? मैंने चोरी नहीं की माँ, ये हमारा है। ये लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वापस रख दे। नहीं रखूंगा। ऐलान करवा दो, कल शाम से पहले उसके घर में घुस के उसका सर काटूंगा और रेनाडू का बच्चा बच्चा ये अपनी आंखों से देखेगा। इस मासूम की जली हुई मुट्ठियां साक्षी हैं और सूली पर चढ़े ये किसान साक्षी हैं, इन दुल्हनों की आंखों के आंसू साक्षी हैं। ये बच्चा री नरसिम्हा रेड्डी उसे मृत्यु दंड देगा। Thank you.
मंडलम से लूटा हुआ पैसा ट्रेजरी में नहीं है, सिर्फ 805 रुपया 10 आना और 4 पैसा मिला है। सारा मद्रास जा रहा है। जाने दीजिए सरकार, उस जैक्सन से मुक्ति मिल गई, इतना ही काफी है। काफी नहीं है, सिर्फ उसकी मौत काफी नहीं है, हमें हमारी संपदा भी वापस चाहिए। वो हमारा धन है, हमारा स्वाभिमान है, एक घास का दिन का भी हमारी जमीन से नहीं जाना चाहिए। Soldiers, on the alert! माने अवतार ले लिया है सरकार। जो कहानी आपको मनगढ़ंत लगती थी वो अब सच हो गई। कभी हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो अपने आप को अमर मानता था। उसे मारने के लिए भगवान नरसिम्हा खंभा चीर के प्रकट हुए। उसकी मृत्यु ना घर में हुई ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, संहार हुआ उसका। वो अवतार संहार से खत्म हुआ, ये अवतार संहार से शुरू हुआ है सरकार। Bullshit! ये अवतार जिसने एक महासाम्राज्य को ललकारा है उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा। Soldiers,
For the Queen! Crown! And the country! Vipumyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham Chidakashu Makashu Vasam Hadeham. Narsimha ka avatar? No, label him a decoy. Usne sare ke sare British samrajya ke khazane loot liye. Wo devta nahi, ek daku hai. Main is Narsimha Reddy ko dekhna chahta hu. Ek chitrakar se uska chitra banwao jisne use dekha. लेटर लंदन पहुंचने से पहले मैं उसे मरा देखना चाहता हूं। सर, 57th रेजिमेंट, 300 सोल्जर्स, रेडी। सब तैयार हो जाओ। नरसिम्हा रेड्डी के 4 टुकड़े करना, 3 टुकड़े दत्तमंडलम के गांव में फेंक दो और चौथा उसका सर मेरे पास ले आना। सोल्जर्स, एडवांस। मुझे भविष्य में युद्ध दिख रहा है और मुझे भविष्य में एक स्वतंत्र भारत दिख रहा है। सायरा, इस धरती पर सारे युद्ध सत्ता के लिए हुए हैं, स्वतंत्रता के लिए ये बड़ा युद्ध है। इस युद्ध को तुम्हें जीतना होगा। इस युद्ध में जीत हमारी ही होगी। लोगों के अंदर तुमने वही ज्वाला जगाई जो तुम में है। एक बच्चे में निर्भयता जगाकर उसे मुट्ठी बंद करने की शक्ति दी तुमने। तुम्हारा संघर्ष समाप्त हुआ। अंग्रेजों की गर्दन काटकर तुमने असली युद्ध आरंभ किया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि पालेकर एकत्रित होंगे और सब लोग तुम्हारे साथ जाएंगे? तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिखाए रास्ते पर हम सब चलें? हमने विद्रोह नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि हम में हिम्मत नहीं। अंग्रेजों से बगावत करके बड़े बड़े महाराजा मिट्टी में मिल गए। तुम किसके दम पर लड़ोगे बताओ? प्रजा। प्रजा ही लड़ेगी ये युद्ध। प्रजा युद्ध लड़ेगी? मैं कुछ समझा नहीं। राजा राजा से लड़ता है, सैनिक सैनिक से लड़ता है। कभी प्रजा को सरकार से लड़ते देखा है? कभी सुना है? जो सुना नहीं वो अब होगा। हम चाहे तो कर सकते हैं, अधिकार नहीं है तो क्या हुआ? लोग अब भी हमें अपना नायक मानते हैं। हम लड़ना शुरू करेंगे तो लोग अपने आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लोग इस लड़ाई को क्रांति में बदल देंगे। क्रांति आंदोलन बन जाएगी और आंदोलन युद्ध। प्रजा अगर साथ लड़ेगी तब जाकर इस देश को स्वतंत्रता मिलेगी। पहले हमें आने वाले संकट से बचने के बारे में सोचना चाहिए। मल्ला रेड्डी, हम सब ने मिलके जो निर्णय लिया है वो अपने भाई को बता दीजिए। भाई मेरे, तुमने जो खजाना लूटा वो गांव वालों में तो बांट दिया, पर तुम्हारे कारण हम सब अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। इसलिए हम सब ने मिलके एक निर्णय लिया है। हम अंग्रेजों से बात करेंगे कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। बस तुम्हें उनसे यह कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, और मेरे ख्याल से तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। अंग्रेजों से क्षमा मांग? तुम्हारा क्षमा मांगने की बात की तो आपका सर काट दूंगा। भूल जाऊंगा आप मेरे बड़े भाई हैं। क्षमा मांगने पर अपने भाई का सर काट दोगे? ये कोई बैलों की दौड़ नहीं है नरसिम्हा रेड्डी, बैलों की दौड़ नहीं है ये। 300 तोपों और फिरंगियों के साथ युद्ध है, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं। यहां उपस्थित कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा नरसिम्हा रेड्डी, तुम अकेले क्या कर लोगे?
मैं लड़ूंगा। हेलो
सुमैया, ऐसी ही मौत तो मैं चाहता था। सुमैया, फिरंगियों के डर के मारे किसी पालेगार ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर तुम अकेले डटे रहे। उसी पल तुमने मुझे जीत लिया। वही 300 फिरंगी तुमसे डर गए और जिस पल मेरी मदद मांगने आ गए, उसी पल तुमने उन्हें भी जीत लिया। और मैं तुम्हारी इसी जीत को अपनी आंखों से देखने आया हूं। साइरा नरसिम्हा रेड्डी, तुम मुझे पसंद आए अबकू राजू, पर तुम मुझे पसंद नहीं हो। जो कुछ मैं करना चाहता था तुमने मुझसे पहले कर दिखाया। जहां पर मैं रुका वहां तुम आगे बढ़ गए, इसीलिए तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक दिन इस आंदोलन में तुमसे आगे निकल जाऊंगा और मैं खुशी से तुम्हें जाने दूंगा। साइरा, सही साइरा। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं। सुमैया, मेरे बेटे का नाम होगा सुमैया। उसका सर बस आ रहा है। सरकार, उस एक सर के लिए इतने सारे गीत क्यों मंडरा रहे हैं?
संदेश भी भेजा है सरकार। जो हराम के चने रोटियां देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिट्ठी नहीं चेता। एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया, अब की बार 300 को मारा है तो समझ जा ये एक आंदोलन है, स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन। आज के बाद जहाजों में भर के हमारे सफेद कपास विलायत नहीं जाएंगे, तुम्हारी सफेद चमड़ियां जाएंगी। अपनी भारत भूमि पर खड़ा मैं तुम्हें सावधान करता हूं, मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा। तुम्हारा शुभचिंतक मच्चारी नरसिम्हा रेड्डी। Stop reading! Who the hell is this Narasimha Reddy? सरकार, नरसिम्हा रेड्डी का चित्र बन गया। कुछ नहीं लिखा है इसमें। वो हमारे सामने खुद आके हमें चेतावनी देके चला गया। युद्ध शुरू कर गया है सरकार। मैं खुश हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए। अब हमारा विद्रोह जन जन का आंदोलन बन जाएगा। अब आगे क्या करना है? हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद्ध कहा जाएगा। लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही ये जन आंदोलन बनेगा। हम प्रजा के साथ ही रहेंगे। सिद्धमा, क्या आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आज तुम मुझे एक वचन दोगी? कहिए ना। क्या तुम मेरी तरह लड़ सकती हो? मेरी जीवन संगनी तो तुम हो ही, लेकिन क्या तुम मेरी संघर्ष संगनी बन सकती हो? अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था और आज देश के लिए हमें अलग होना होगा। मेरे स्वाभिमान और संघर्ष के लिए तुम बचपन से बलिदान देती आ रही हो, इस जन्म के लिए क्या तुम मुझे क्षमा कर पाओगी? ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बात मत कीजिए। सब कहते हैं आपका प्यार कोई और है, और मैं भी जानती हूं कि ये सच है, लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं। ये और ये लोग, इनको आपकी जरूरत है। ना छोड़ने का वचन दिया था ना आपने, आपके वचन को कभी टूटने नहीं दूंगी। आज मैं आपको आजाद कर रही हूँ, निश्चिंत होकर लड़िए। उनको मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिश्ते त्याग दिए।
मेरे साथ चलिए, कल सुबह से पहले आपको कोथा कोटा छोड़ने का आदेश है। सरकार की तरफ से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो नरसिम्हा रेड्डी कहाँ है बता दो। हमारे दिल में रहते हैं वो। शूट। हंट हिम। कितने लोग हैं उसके साथ? यही कोई 100-200 होंगे। सायरा, सायरा। हम आंदोलन से कभी छल नहीं करेंगे, ना ही कभी से छोड़ेंगे। जब तक भारत मां को नहीं हो जाती, स्वतंत्रता के संग्राम में जितने प्राण लेने पड़ेंगे लेंगे, जितने प्राण लेने पड़ेंगे लेंगे। सुनो, भैया से भूल हो गई, वो लालच में पड़ गए थे। हट जाओ सामने से। बस एक बार उन्हें क्षमा कर दो। भूल क्षमा की जाती है विश्वासघात नहीं। ए, तूने केवल भाई से नहीं बल्कि आंदोलन से छल किया। आप जैसी माता से जन्म लेकर भी इसने अक्षम्य अपराध किया है। इसे क्या सजा देनी है यह आप पे है। दीदी, मेरी खातिर इसे क्षमा। चार महीने से हम उसे जंगलों में ढूंढ रहे हैं, पर उसका कोई पता नहीं चला। उसे जिंदा पकड़वाने वाले को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, कितना दोगे? और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस आ गए, पैसा तो पूरा मिलेगा ना? जितना बोला था उससे ज्यादा ही मिलेगा। चलो। के लिए इधर आया था,
और ये आपके सर पर लगे इनाम के लिए। द्रोही, दे दिया इनाम मैंने इसे। तुम हो कौन? राजा पांडे। कहां से आए हो तुम? वीरों को जन्ने वाली तमिल भूमि से। लेकिन यहाँ क्यों आए हो? आप 6 महीनों से गोरों के साथ अकेले लड़ रहे हैं, इसीलिए आपका साथ देने चला आया। मुझे रख लीजिए, लक्ष्मण की तरह हमेशा साथ में रहूंगा, चाहे वीरता में हो या वीर गति में। तुम तमिल हो और हम तेलुगु लोग, साथ कैसे लड़ेंगे? भारत माँ हम दोनों की माँ है, तो ये मेरे भाई हुए, कुछ भी हो सकता है, हम लड़ लेंगे, भरोसा रखिए। नरसिम्हा रेड्डी के बारे में कैसे जानते हो? नरसिम्हा रेड्डी को तमिलनाडु में सब लोग जानते हैं, गांव गांव में इनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। भैया आपका नाम जान सकती हूँ? लक्ष्मी, आपने तो आंदोलन में नए प्राण फूंक दिए, उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उन्हें जानते हैं। मैं भी तो इसी का हिस्सा हूँ, और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता। क्षमा करना, आपकी अनुमति के बिना आपके साथ गाने लगी। सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है, युद्ध में अपना कोई वीर भेजिए। मैंने तो युद्ध के नायक को भेजा, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या वो भी यहाँ? मैं उनके लिए बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें आजाद कर दिया। उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता? वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके हैं। सही कहा, मुझे भी। आपका बेटा? हाँ। क्या मैं? नहीं बेटा, नहीं रोते। नहीं, आओ बेटा, रोते नहीं। ओले ले, मेरा अच्छा बच्चा। किसे क्या देना चाहिए भगवान सब जानता है। आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोलन को लोगों तक ले जाने का। रेनाडू की भूमि स्वतंत्र है, अपनी मातृभूमि से एक एक अंग्रेज को खदेड़ दूंगा। बता दो अपने लंदन के आकाओं को, मैं रेनाडू का नया महाराज हूं। बता दो कि अगर मेरी धरती पर पांव रखना है तो उन्हें मुझे लगान देना होगा। अब तुम अंग्रेजों की लड़ाई गुलामों से नहीं, स्वतंत्र भारतवासियों से है। इससे पहले कि लंदन तक बात पहुंचे, इसे रोकना ही पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे? आप सब अचानक यहाँ? हमें लगा कोई अनहोनी होने वाली है नरसिम्हा, पूरे परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। डरने की कोई बात नहीं है माँ, जैसे पलके आंखों की सुरक्षा करती हैं, वैसे ही ये सेना मेरे लिए प्राण देने वाले वीरा रेड्डी जैसे मित्र हैं। कोई अनहोनी नहीं होगी, आप चिंता ना करें। इसे राजा बनाने के लिए मैंने इसका साथ नहीं दिया था। रेनाडू का राजा एक ही हो सकता है और वो हूं मैं। अंकुराजू, मैंने तो सोचा था अंकुराजू मर गया, आज पता चला वो जिंदा है। मुझसे हाथ मिला लो, दोनों मिलकर राज करेंगे। कैसे? नरसिम्हा रेड्डी और उसके परिवार को मिटाकर। और उसके बाद? कोकरेन का दस्तखत किया हुआ राजीनामा है ये। हम इस विद्रोह को दबा पाए तो रेनाडू के 2 हिस्से होंगे, उत्तर का राजा मैं और दक्षिण के राजा तुम बनोगे। पर हम दोनों काफी हैं? हम जैसे कई और लोग हैं सेना में,
बस तुम जैसा एक साथी चाहिए। तो बताओ कब करें? आज रात को। जो भी करना है आज रात को ही करना होगा बसेरेड्डे, आज रात को। आधी रात को जब सब सो रहे होंगे मैं किले के द्वार खोल दूंगा, मेरे आदमी अंदर आ जाएंगे। नरसिम्हा रेड्डी सबसे आखिरी वाले कमरे में सोता है, सब अपने कमरे में सो रहे होंगे तब मैं अंदर से दरवाजा खोल दूंगा। पूरब वाले कमरे में उसका अंगरक्षक राजा पांडी सो रहा होगा, उसे मैं मारूंगा। राजा को कभी धोखा नहीं दूंगा। दुश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के सांप को पहचानना जरूरी है। तुम्हारे छल के कारण हमारे कई साथी मारे गए, उसी वक्त मार देना चाहिए था तुम्हें। लेकिन तुम्हारे जहरीले इरादों में और कौन कौन शामिल है ये जानने के लिए मैंने ये खेल खेला। अब खेल खत्म। सीने में नहीं, वो तो वीर की मौत होती है। ये पापी सौगंध खाकर मुकर गया है, ये तलवार इसकी गर्दन में घुसा दो। क्षमा मांगने वाले का मर जाना ही बेहतर है बसेरेड्डे। शाबाश नरसिम्हा, नायक हो तो तुम जैसा। एक एक द्रोही को ढूंढ के मार दिया। एक द्रोही अब भी बाकी है वीरा रेड्डी। लालच है ऐसे लोग रुकावट बनते रहेंगे। मैं तो इसे वहीं मारने वाला था लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। इसे क्या दंड देना है ये तुम सोचो। मृत्यु दंड ही विश्वासघाती की सजा है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। से नहीं होगा, मुझ पे छोड़ दो। खत्म कर दो इसे। तुम
लक्ष्मी सरकार गांव गांव घूम के लोगों को भड़काती है, आजादी के गीत गाती है, नचनिया है। तलवार युद्ध जीत सकती है, लेकिन कला युद्ध छेड़ सकती है। ये नरसिम्हा रेड्डी से खतरनाक है। सरकार, ये नरसिम्हा रेड्डी की प्रेमिका है। सोल्जर्स, ये लोगों को अपनी कला से भड़का रही है। आज हमारी भी आग भड़काएगी बिना कपड़ों के। राघवाचार्य, कम से कम मैं अपनी आंखें तो सेंक लूं। ये शरीर सिर्फ नरसिम्हा रेड्डी के लिए है, कोई और इसे छूने की जरूरत नहीं कर सकता। क्या लगता है नरसिम्हा रेड्डी तुझे बचाने आएगा? सरा अपने चारों तरफ तो देख, बारूद से भरे ये हजारों बक्से युद्ध के लिए नहीं, नरसंहार के लिए। तत्मंडलम में कोई सवेरे का सूरज नहीं देखेगा, तेरा नरसिम्हा रेड्डी भी नहीं। कोई रास्ता नहीं है तेरे पास, चल नाच नाच ना। हर जीवन का महत्व होना चाहिए, हर मृत्यु एक नए जीवन का शुभारंभ होना चाहिए। जिस दिन अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, उस दिन अपनी मृत्यु का उद्देश्य भी पा लिया। यजमान, मृतक का नाम बताइए। लक्ष्मी। लक्ष्मी नरसिम्हा रेड्डी। लक्ष्मी।
एक औरत ने सुइसाइड ब्लास्ट करके हमारे 300 सिपाहियों को उड़ा दिया। 9,000 लोग इस एक आदमी के साथ क्यों खड़े हैं? What is happening? Freedom fight. वो समझता है कुछ चूहों के साथ मिलकर वो जन आंदोलन छेड़ देगा हमारे खिलाफ। कैसा जन आंदोलन? My lord, शेरों की सेना से डरने की जरूरत नहीं अगर उसका नायक चूहा हो, लेकिन चूहों की सेना का नायक शेर हो तो डरने की बात है। वो हर चूहे को शेर बना देगा। इस वीर तिलक से तुम्हें भारत माँ के माथे पर आजादी का सिंदूर लगाना है। युद्ध का ऐलान करो, उसे समझौते के लिए बुलाओ, अगर वो मना करे तो उसे मार डालो। जाओ बेटा, रणभूमि में विजयी हो।
30,000 of their men are dead, sir. 10,000 of our men have died. You tried to hide this from me. What about Narasimha Reddy? He's very badly wounded, sir. Afwa phaila do ki, wo mar gaya. Sir, he's not... Narasimha Reddy sirf ek naam nahi. Azadi ka prateek hai. Usne hamara ek aadmi mara, 40 log uske saath ho liye. Usne hamare 300 log mare, 4,000 uske saath aa gaye. अगर इस देश के लोगों को पता चल गया कि उसने हमारे 10,000 आदमी मार दिए, वो 4,000 लाखों में बदल जाएंगे और लाखों करोड़ों में इस देश के लोग विद्रोह कर देंगे। अभी यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अपने लीडर की मौत की खबर सुनेंगे तो उनका गुस्सा दब जाएगा और उनका जोश भी मर जाएगा। तो उसके लोगों तक उसकी मौत की खबर पहुंचाओ, उसकी जीत की नहीं। और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सर, मिस्टर वीर रेड्डी, तुम मेरे शत्रु हो और मैं तुम्हारा। सुना मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, सुनकर तरस आया। सुना तुम्हारा एक बेटा था जिससे तुम बहुत प्यार करते थे और उस बेटे को नरसिम्हा रेड्डी ने मार दिया। उसने विश्वासघात किया, इसीलिए नरसिम्हा रेड्डी ने मार दिया उसे। तो फिर उसी विश्वासघात के लिए उसने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया? क्या इंसाफ सबके लिए एक नहीं होना चाहिए? इनजस्टिस, ब्लडी ब्लड रिलेशंस हमेशा नाइंसाफी की वजह बनते हैं। मेरा तो खून खोल रहा है। पता नहीं तुम इतने शांत कैसे हो वीर रेड्डी। मैं यहां पर तुम्हारा फायदा उठाने नहीं आया हूं, पर आंखें खोलकर देखो कौन तुम्हारा फायदा उठा रहा है। सोच के देखो वीर रेड्डी। स्वामी, युद्ध में क्या हुआ कोई ठीक से बता नहीं पा रहा। मैंने सुना मेरा बेटा शहीद हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जगन्नाथ टीले पर दिया जलेगा। कहाँ जा रहे हो नरसिम्हा? आज कार्तिक पूर्णिमा की रात है, टीले पे दीप जलाने जाना ही होगा मुझे। क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? फिरंगी पहले ही अफवाह फैला रहे हैं कि तुम मर चुके हो। आज हजारों लोगों की आंखें टीले की ओर बड़ी आशा से देख रही होंगी और उन्हें यह दिखना चाहिए कि हम युद्ध जीत गए हैं और हमारा आंदोलन जिंदा है। अभी तुम जरूरी हो, वो दीप नहीं। नहीं, वो विश्वास जरूरी है जो लोगों ने हमें दिखाया है। आज उस दीपक का जलना जरूरी है। मुझे लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी बिल्कुल सही कह रहे हैं, विश्वास नहीं मरना चाहिए। कोई अनहोनी नहीं होगी, मुझ पर भरोसा रखो। सिद्धवा,
कैसे हो? सिद्धमा, सिद्धमा, कैसी हो तुम? ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको देखने आई थी। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं चाहती थी आपको कुछ नहीं होगा। लाओ मुझे तो। कितना क्या हुआ? पकड़ो इसको। क्या हुआ आपको? हाँ। आपकी तबीयत अचानक चक्कर आ रही। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, निकलो यहाँ से, जल्दी करो। आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाओ। दीपक जलना नहीं चाहिए, उसे जिंदा पकड़ो। समझ गए सिद्धमा, यह रास्ता कोई नहीं जानता, तुम इस गुफा से निकल जाओ, जल्दी करो। मुझे यहीं रहने दीजिए। नहीं सिद्धमा, उस दीप को जलाना ही होगा, तुम्हें भी इस दीपक को संभाल के जाओ। संभाल के। मेरी चिंता मत करो, जीवन संबंधों से ज्यादा कर्तव्यों के लिए होना चाहिए। मुझे नहीं मारा बाबा। तुम जानते हो ना, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे तुम्हारे बाबा, बहुत आशाएं लगा रखी हैं उन्होंने तुमसे। अगर तुम मर गए तो उनकी आत्मा मर जाएगी, और मैं वीरा रेड्डी को ऐसे नहीं देख सकता। जाओ और अपने पिता को पूरी तरह से मार दो, जाओ। अपराधी हूं मैं, जाने दीजिए मुझे। हमसे नहीं अंग्रेजों से छल करो, देशभक्त कहलाओगे। देश के लिए कुछ करके बाबा से मिलो, वो फिर से जी उठेंगे। बाबा, नरसिम्हा रेड्डी को नशीली दवा पिला के कोई नीच पकड़वाना चाहता है, उन्हें बताना है कहां मिलेंगे वो बाबा।
और नीच मैं ही हूं। ये आपने क्या कर दिया? मिस्टर नरसिम्हा रेड्डी, तुम्हारे साथी गोसाई वेंकन्ना, अवकू राजू, पापा खान और तुम्हारे 112 सहयोगियों को दंड स्वरूप एक टापू पर भेजा जा रहा है। अपने सारे अपराध स्वीकार करो और क्षमा मांग लो। अंग्रेज सरकार शायद रहम खाकर तुम्हारी सजा कम कर दे। क्षमा मांगू? कभी नहीं। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो अभी इसी वक्त बताओ। Get out from my motherland! Section 2, Regulation 1, 1834 Act के तहत जनता की मौजूदगी में इसे फांसी पर लटका दो। कगार पर खड़े हैं वो मौत से परे हैं, मृत्यु उन्हें पराजित नहीं कर सकती। The court of Fortsdari Adalat convicts the prisoner Majari Narsimha Reddy on the counts of rebellion, murder and robbery and hence orders him to hang by the neck
until death. आंसू पोंछकर और सीना तानकर गर्व से देखो मेरी ओर, तुम्हारे सामने है स्वतंत्रता। इस देश में माताएं बच्चों को वीर गाथाएं गाकर सुनाती हैं। इस देश में जो युद्ध हुए महाकाव्य बन गए, इस देश में जो खून बहा इतिहास बन गया। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को मोक्ष सिखाया, अब हम सबको मुक्ति सिखाएंगे। हमने बेखौफ जीना सिखाया, अब आजाद मरना सिखाएंगे। भारत की पवित्र भूमि से इन अंग्रेजों को खदेड़ कर दम लेना, जो हमारी माओ की छातियों से दूध चुरा कर उनका सर काटते थे। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया, उसका सिर्फ एक परम लक्ष्य होना चाहिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। जो भी युद्ध में शहीद हो जाता है, वो स्वयं युद्ध बन जाता है। आज से मैं भी युद्ध हूँ। जो राष्ट्र के लिए आहुति देता है, वो स्वयं राष्ट्र बन जाता है। आज से मैं राष्ट्र हूँ। आज जब मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, उसका उत्सव बनाना, महापर्व बना देना इस दिन को। ये जो हो रहा है, ये मेरी मृत्यु नहीं है साथियों, जन्म है। आज का दिन भारत की स्वतंत्रता का जन्म है। भारत माता की, भारत माता की जय। Oh,
हर एक बूंद से एक नया नरसिम्हा रेड्डी पैदा होगा। स्वतंत्र होने का तेरा सपना जरूर पूरा होगा। सारा नरसिम्हा रेड्डी। युद्ध का अंत होता है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु से ये युद्ध आरंभ हुआ है। ये थमेगा नहीं। तुम जीत गए नरसिम्हा। इस युद्ध में नरसिम्हा रेड्डी ने जान फूंकी थी। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के हर योद्धा के हथियार में नरसिम्हा रेड्डी के प्राण बसे हैं। क्या हम ये भूल जाएं? भारतवासियों को चेतावनी के रूप में उय्यालावाडा नरसिम्हा रेड्डी के कटे हुए सर को किले के मुख्य द्वार पर 30 साल तक लटकाया गया था, परंतु ये चेतावनी एक प्रेरणा बन गई और लाखों लोग आने वाले 100 सालों तक स्वतंत्र भारत की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। इन्हीं के बलिदानों का नतीजा था कि भारत माता को 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली और हमने स्वतंत्रता की सांस ली। आइए हम भारतीयता का आदर करें और भारतीय होने पर गर्व करें। माय लॉर्ड इमैनुअल, मैंने भारत का कोना कोना देख लिया। ना ही मुझे कहीं कोई चोर मिला और ना ही कोई भिखारी। हमारा मानना है कि उस देश के पास बेशुमार धन दौलत है। हम वो लोग हैं जो अपने आप को सबसे सभ्य मानते हैं, लेकिन सभ्यता की शुरुआत सही मायनों में भारत से ही हुई है। मुगलों ने कई सालों तक उन पर राज किया। उन्होंने उनका खजाना जरूर लूटा, लेकिन उनकी तहजीब नहीं लूट पाए। उनकी ताकत वेदों, शिक्षा और सभ्यता में है। वो ताकत छीन लो, फिर भारत को लूटना आसान हो जाएगा। लूट डालो और राज करो की नीति से अंग्रेजों ने भारत की शासन व्यवस्था तहस नहस कर दी है। हर तरफ खलबली है। कुछ राजा और पालेगार आजादी के लिए ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन छेड़ चुके हैं। हम जानते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सैनिक विद्रोह था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। झांसी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की ये लड़ाई शुरू हुए 3 महीने हो गए। 20,000 योद्धा हमारे साथ मैदान में उतरे और अब सिर्फ हम 100 योद्धा ही बचे। कल अगर हम रणभूमि में उतरे तो फिर हम 100 भी नहीं बचेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम हमने शुरू किया था और हम ही इसे खत्म करेंगे। युद्ध में प्राण देने वाला शिव के समान है सेनापति। इस लड़ाई को रोकने का हक आपको किसने दिया? इस महासंग्राम को ना तो मैंने शुरू किया और ना ही आप लोगों ने। आप लोग लड़ने से डर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 100 बचे हैं। इस युद्ध का पहला बिगुल 10 साल पहले फूंकने वाला था एक अकेला वीर।
साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाला योद्धा एक ही था। बेटा हुआ है लेकिन मरा हुआ। उसका जन्म ही एक महायुद्ध था और उस युद्ध में वो मृत्यु को मार के विजयी हुआ। वो मृत्यु को हरा कर पैदा हुआ है, अब मृत्यु से छू भी नहीं सकती। वो एक योगी था, एक महायोद्धा था, स्वातंत्र की पहली अलग जगाने वाला रेनाडु का सूर्या। नौसम के पालेगार जयरामी रेड्डी ने अपनी दोनों बेटियां उयालावाड़ा के पालेगार मल्ला रेड्डी से ब्याही थी। बड़ी बेटी ने दो पुत्रों को जन्म दिया और छोटी ने एक को, जिसने सिर्फ 6 बरस की उम्र में दिखा दिया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। उन दिनों सीमा में भीषण अकाल पड़ा था। वर्षा के लिए यज्ञ करना था। यज्ञ में मज्जारी के किसी वंशज को जगन्नाथ पर्वत पे दीप प्रज्वलित करना था। इस विधान के लिए नरसिम्हा रेड्डी को चुना गया। हर कार्तिक पूर्णिमा को नरसिम्हा रेड्डी के हाथों दीप प्रज्वलन किया जाता। आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों का मानना था कि ये दिया एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। नरसिम्हा रेड्डी को उनके नाना ने गोद ले लिया क्योंकि उनके पास नौसम किले का उत्तराधिकारी नहीं था। जानते हो वो लोग क्यों मारे गए? ये ब्रिटिश राज है बेटा, जो उनसे सवाल पूछता है उनके खिलाफ जाता है उसे मार दिया जाता है। आप तो पालेगार है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। हम नाम के पालेगार हैं। ये अंग्रेज हमारे देश में घुस आए, हमारे अधिकार छीन लिए और हमारी जनता को लूटने लगे अपनी बंदूकों से डराकर। हमारी सत्ता हथियाने के लिए वो हमारे आगे पैसे फेंकने लगे मुट्ठी भर, जिसकी हमें आदत पड़ गई और तब से हम जिंदा लाश बन गए हैं। लाशों की तरह जीने से तो अच्छा है हम विद्रोही की तरह मर जाए ना। सुना है आपने पूरे देश का भ्रमण किया है? क्या सारे देश में गोरे लोग हमारे लोगों को इसी तरह मार रहे हैं? मार रहे हैं। तो हमें भी उन्हें मार देना चाहिए ना नरसिम्हा। अवश्य। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए बेटा, मैं मारूंगा उनको। तुम अकेले कितने अंग्रेजों को मारोगे? 10 को तो खत्म कर ही सकता हूँ। हजारों की सेना है उनकी, वो मार देंगे तुम्हें। तो मर जाऊंगा। मारना मरना महत्व नहीं, महत्व है जीत। जीत के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा, युद्ध करने के लिए तुम्हारे लोगों का साथ आवश्यक है। उनका साथ तभी मिलेगा जब तुम वही अग्नि उनके अंदर जला पाओगे जो तुम्हारे हृदय के अंदर, स्वयं युद्ध बनना होगा। तुम्हारा शस्त्र ये नहीं, तुम्हारा शस्त्र है ये। तुम्हें पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी होगी।
सबसे पहले ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश कानून लागू किया जाए। छोटे इलाकों से शुरू करके धीरे धीरे समय के साथ पूरे इंडिया में इसे फैला दिया जाए। मौजूदा टैक्स 300% बढ़ा दिया जाए। और इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर कब्जा कर लिया। वो बड़े अफसर जिनका अकेला मकसद भारत को लूटना था, उन्हें ऊंची कुर्सियों पर बिठाकर हमारे देश भेज दिया गया। शैतानों की सेना का नुमाइंदा कॉकरेन दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगा, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन उसे वीर भूमि रेनाडू के बारे में क्या पता था? वो कहां जानता था कि रेनाडू का सूर्य अंधकार की छाती चीर कर उदय हो चुका है। रेनाडू की धरती 61 छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई है। इन राज्यों के सामंत पालेगार कहलाते हैं। ब्रिटिश इन पालेगारों से उनकी सत्ता और एकता दोनों छीन चुके हैं। लेकिन अवुकु राज्य के पालेगार अवुकु राजू, मायुकुरु के पालेगार वीरा रेड्डी और कर्नूल के पापा खान उन 61 पालेगारों में से हैं जो आज भी स्वतंत्र शासन कर रहे हैं। नरसिम्हा रेड्डी ने इन सबको एकजुट करने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया। स्वामी, मेरा बेटा नरसिम्हा अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध ये महोत्सव कर रहा है, क्या वो सफल होगा? नरसिम्हा रेड्डी कोई आम आदमी नहीं है, वो पृथ्वी पर एक लक्ष्य लेकर जन्मा है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वेद के साथ उसका पालन हुआ है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारे नृत्य का भी समय हो रहा है, जल्दी करना। से पहले सरोवर में रहने वाले संगमेश्वर स्वामी की स्तुति करने की प्रथा है। हाँ, लेकिन इतनी देर पानी में जल में सांस रोकने की विद्या जानने वाले एक महापुरुष हैं, मज्जारी नरसिम्हा रेड्डी जी। आज कई सालों बाद तुम्हारे लाए हुए वस्त्रों से भगवान का फिर श्रृंगार हो रहा है पापा खान। ये हमारे भाई नरसिम्हा रेड्डी की महिमा है कि अंग्रेजों का बंद करवाया हुआ ये उत्सव फिर से शुरू हो गया। या अल्लाह, इस जश्न को किसी की नजर ना लगे, सब मिलकर दुआ करो। मैं इसे होने नहीं दूंगा। क्या उकुराजू, इस मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पे हुई हैं, कहां कहां से लोग मेला देखने आ रहे हैं, होने नहीं दूंगा का क्या मतलब? ये मेला कौन करवा रहा है? नरसिम्हा रेड्डी। इस मेले में योगदान हमारा भी है ना? पर नाम नरसिम्हा रेड्डी का होगा। अच्छा, मुकाबला कौन जीतेगा? नरसिम्हा रेड्डी, और कौन? और हम जीत जाए तो भी सब नरसिम्हा रेड्डी की जयकार करेंगे कि उसने इतना निष्पक्ष मुकाबला करवाया। यानी जीते कोई भी, जयकार उसी की होगी। क्या ये सही होगा बसी रेड्डी? तो नहीं जीतेगा। अपने आदमी को देखो वहां, वो नशीली दवा बैलों को पागल कर देगी। नरसिम्हा
नरसिम्हा रेड्डी हो या फिर भगवान नरसिम्हा ही क्यों ना हो, ये मुकाबला कोई नहीं करवा सकता।